मनी, जैसे कि आप मुझे जानते हो मेरे चैनल है टेक्निकल लवली मनी चैनल, दूसरा है स्विमिंग बाय मनी। टेक्निकल लवली मनी चैनल का लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा। तो आज की जो ब्रेस्ट स्ट्रोक के ऊपर है, प्रोफेशनली अगर आप ब्रेस्ट करते हो तो आपको कैसी देखने को मिलेगी, कैसी कैसी सेम रहेगी, आपने कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है तो आप वैसी सेम करने लग जाओगे। और अगर वीडियो में कोई कमी है तो मुझे माफ़ कर देना, और बैकग्राउंड में शोर है तो भी माफ़ कर देना। तो ब्रेस्ट स्ट्रोक जो दिखाई है मैंने चिंटू की दिखाई है, और प्रैक्टिस कैसे करनी है, अकेली किक की कैसे करनी है, और क्या कहते हैं मेन प्रैक्टिस कैसे करनी है, ठीक है। डिस्क्वालीफाई कैसे होगी जब आप दोनों हाथ क्लियर टच नहीं करोगे, अगर आप इतना हाथ भी टच कर देते हो, सिर्फ आगे फिंगर टच कर देते हो, तो चांस रहते हैं कि बंदा कह सकता है कि आपने क्लियर हाथ टच नहीं किया, आपकी फिंगर टच हुई या नहीं हुई, कुछ भी बहाना हो सकता है। तो कोशिश जब भी आप प्रैक्टिस करते हो दोनों हाथ टच करके ही प्रैक्टिस करो, ताकि जो आपको डिस्क्वालीफाई होने के चांस ना, मतलब कि कई कोच खुंदक में भी ऐसा कर देते कि इसने क्लियर हाथ नहीं टच किए, क्योंकि यहाँ तक हाथ टच करने होते हैं, यहाँ तक हाथ टच करने होते हैं, तो वो बंदा डिस्क्वालीफाई नहीं होता, ठीक है। और ब्रेस्ट की मैं आपको बैक, जो बैक फ्लोटिंग करके किकिंग करते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो में कोई कमी है तो मुझे माफ़ कर देना, और डिस्क्रिप्शन में सब कुछ आपको मिल जाएगा, फेसबुक, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम और दूसरे चैनल का लिंक सारा कुछ मिल जाएगा, तो उसमें भी फॉलो कर देना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करें। फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखना है आपने कि जब आप ब्रेस्ट स्ट्रोक करते हो, आपके ये नई स्टाइल, मतलब कि जो नई टेक्निक है ये ब्रेस्ट स्ट्रोक की है, ठीक है। इसमें आप जो सेकंड करते हो, मतलब कि जो दूसरा रहता है, उसमें आप पैर खोल भी सकते हो, ठीक है। ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते जाओगे, ये मूव सेम ऐसे चलने लग जाएगा, और प्रैक्टिस के साथ ही सारा कुछ होगा। अगर थोड़ी मोटी गलती होती है तो वो अपने आप प्रैक्टिस से दूर हो जाएगी। और पैर गलत मत चलाना, पैर चेक कर सकते हो कि पैर कैसे चल रहे हैं, इनका पैरों का खासकर आपने ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद टर्न कंप्लीट करना है, जो आपने उसके दोनों हाथ टच होने चाहिए। उसके बाद पुश लेके आप एक अंडर वाटर में ये पुश ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर से आप डॉल्फिन कंटिन्यू स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था कि ब्रेस्ट में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप डिस्क्वालीफाई होने के चांसेस क्या रहते हैं। सबसे मेन रहता है कि अगर आप वहाँ पे दीवार के साथ एक पैर टच करते हो, मतलब एक हाथ टच करते हो, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। तो अभी चिंटू ब्रेस्ट की प्रैक्टिस कर रहा है, तो मैंने इसमें क्लिप ले ली है, और इसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा देखे करने में, ठीक है। तो बाकी अगली नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी, जो उसके ऊपर मैं सिर्फ कमियां बताऊंगा, डिस्क्वालीफाई आप कैसे हो सकते हो वगैरह वगैरह, ठीक है, आपको क्या गलती नहीं करनी। फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि ब्रेस्ट कैसे करनी है, तो एक किस्म की एक चीज़ लगा सकते हो कि जैसे फ्रॉग किक करता है आपने सेम वैसे ही करनी है, जैसे डड्डू टांगे मारता है आपने वैसे करनी है, मतलब कि सेम चेक कर सकते हो। बाकी ये इतना कुछ है नहीं, आप प्रैक्टिस करते जाओगे धीरे धीरे आपको आ जाएगी। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है हमें, ठीक है, कि आपने क्या क्या ब्रेस्ट में करना है। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हो, और बच्चा देख सकते हो कि ये डॉग पैडलिंग कर रहे हैं, ठीक है। डॉग पैडलिंग में क्या कुछ मेन क्या रहता है मैं बता देता हूँ। हैंड मेन रहते हैं, अदरवाइज आप जो पैर चलेंगे वो आपके फ्री की तरह ही चलेंगे, जैसे फ्री स्टाइल में चलते हैं, ठीक है। और ब्रेस्ट की आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे। तो फ्रेंड्स, अभी क्या है कि जैसे कि मैंने उसका बता दिया, अब आप किक की अकेली प्रैक्टिस कर सकते हो, तो ये आपने किक की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। किक की प्रैक्टिस देख सकते हो, आप ऐसे कंटिन्यू कर सकते हो, और आप किक बोर्ड लेके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये बात ध्यान रखना कि आप किक बोर्ड लेके प्रैक्टिस कर सकते हो बस। तो फ्रेंड्स, अकेली जो ब्रेस्ट की किक करोगे तो उसमें बेनिफिट क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। अकेली ब्रेस्ट की किक में आपकी किक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जिसके कारण आप अच्छे से किक कर पाओगे। और किक करते समय आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि किक पेट के जो पैर फोल्ड करोगे वो पेट वाली साइड में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जो किक करनी है वो पेट की साइड नहीं जानी चाहिए। जब आप किक फोल्ड करते हो, आप पेट की साइड पैर फोल्ड करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। और कोशिश करनी है कि किक करने के बाद एक सेकंड होल्ड करना है, ताकि जो आप आगे बढ़ो, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान रखना है, ये किक की प्रैक्टिस है ओनली। और चिंटू, तो फ्रेंड्स ब्रेस्ट राउंड, हाँ चार राउंड। तो अभी जैसे कि एक तो जो होती है ना, आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, तो अगर आपको बैक फ्लोटिंग आती है तो आप ब्रेस्ट की किक ऐसे भी कर सकते हो। इसमें देख सकते हो कि नी बाहर नहीं आ रहे, ऐसे ही आपने ब्रेस्ट की किकिंग करनी है। अगर आप बाहर नी आपके चेस्ट की साइड आ रहे हैं तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। सेम प्रैक्टिस आपने ऐसे करनी है, जैसे ये नए मॉडल की है, ठीक है। जो पुराने की होती है उसमें नीज ओपन होते हैं, वो मैंने इसको कराई नहीं, अगर कराता भी तो दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये आपने कंटिन्यू करनी है। तो चलो वीडियो एंड कर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ब्रेस्ट स्ट्रोक कैसे करनी है प्रोफेशनली। और मैंने किक की भी प्रैक्टिस बता दी है कि कैसे करनी है। अकेले हैंड की करनी है तो आप पुल बॉय होता है, एक आठ सा बना होता है, उसको आप टांगों में फंसा के ब्रेस्ट की किक की अकेले हैंड की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अदरवाइज मैंने हैंड की प्रैक्टिस बताई हुई है, और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं कमियां भी बताऊंगा, और वगैरह इसमें थोड़ी बहुत कमियां बताया। तो बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्दी। तो
तो फ्रेंड्स ये चैनल है मेरा स्विमिंग बाय मनी, जिसके ऊपर मैं आपको स्विमिंग से रिलेटेड वीडियो देता हूँ, और ये है टेक्निकल लवली मनी, जिसके ऊपर मैं मोबाइल की अनबॉक्सिंग करता हूँ। आई होप कि आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो, इसमें आपको कुछ सीखने को मिला हो। अगर सीखने को मिला है तो लाइक कर दो। थैंक यू वॉच द वीडियो।